हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग 2011 में पूछे गए क्लास 12th के शॉर्ट टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके थे। आज के इस क्लास में हम लोग 2011 में पूछे गए फिजिक्स के हम लोग लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आज के इस क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्लास 12th के सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और आपके सारे क्रैश कोर्स की वीडियो आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारे चैनल पर क्लास 10th के भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो अगर आपके कोई भाई बहन क्लास 10th के हैं तो उससे भी हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं और वो भी हमारे क्लास 10th के क्रैश कोर्स में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए, हम लोग क्लास 12th के क्रैश कोर्स में आज हम 2011 में पूछे गए लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, जो टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों हमारे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसको आप लोग सजेशन के तौर पर कह सकते हैं और ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद करते जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए और पूछे जा भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्धांत सहित किसी वांडे ग्राफ जनित की बनावट एवं क्रिया पद्धति की व्याख्या करें। क्या क्वेश्चन है हमारा, कहता है इसके सिद्धांत के साथ वांडे ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया पद्धति का व्याख्या करें, मतलब वांडे ग्राफ जनरेटर के बारे की बनावट कैसी होती है, वो काम कैसे करती है, इसकी व्याख्या करना है। तो कितने स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो वह जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI इसलिए है क्योंकि एक साल नहीं, 2-3 साल आपके एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट भी करता है। तो ये हमारा ऑड नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हम लोग आंसर को पढ़ते हैं, और वांडे ग्राफ जनरेटर हमारा आखिर होता क्या है। तो वांडे ग्राफ जनित का सिद्धांत जो है 1971 ईस्वी में प्रोफेसर वांडे ग्राफ ने दिया था और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, वांडे ग्राफ जनरेटर। तो वांडे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया था, वांडे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडे ग्राफ के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वांडे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया। तो वांडे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडे ग्राफ के द्वारा दिया गया। वांडे ग्राफ जनरेटर जो है यह हमारा एक विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा कई लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप लोग कहते हैं विभवांतर, वो उत्पन्न किया जा सकता है। कितने तरह के, तो कई लाख तक के वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा वांडे ग्राफ का परिभाषा कि वांडे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वो 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडे ग्राफ ने दिया था। एक लाइन का है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, वांडे ग्राफ जनरेटर वो विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा कई लाख तक के पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप लोग विभवांतर बोलते हैं, उत्पन्न किया जाता है। वांडे ग्राफ जनरेटर का जो मुख्य काम है वो क्या है, वो मुख्य काम है कई लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना। तो चलिए, इसके अब हम लोग अपने बनावट की तरफ बढ़ते हैं, इसका बनावट क्या होता है हम उसको जानते हैं। तो ये दो लाइन का है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर भी तैयार कर लीजिएगा और इस सब का आप लोग एक अलग नोट्स तैयार करते जाइएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, और यही सब क्वेश्चन रिपीट भी किया जा सकता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं इसके बनावट की तरफ। तो ये हमारा है वांडे ग्राफ जनरेटर का बनावट क्या है, ये हमारा एक वांडे ग्राफ का जनरेटर का बनावट है जिसका एक भाग जो है नुकीला है और यहाँ से हमारा प्लस 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 जो रे है वो पास हो रहा है, जिससे ये हमारा विभवांतर है और इसको हम लोग जमीन से जोड़ दिए। ये हमारा V2 है, यहाँ से हम लोग V1 है और ये हमारा एक चुंबकीय द्रव है जिसको प्लस केन है, और ये हमारा दो V1 V2 ब्रश है जो P1 P2 पुली के द्वारा अट्रैक्ट है, जो चल रहा है। तो अब हम लोग बनावट में जितना चीज है उसको हम लोग लिख देते हैं, तो उस तरह से हमारा बनावट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या है बनावट, तो बनावट में हमारा क्या है, तो वांडे ग्राफ जनरेटर में लगभग 1 मीटर त्रिज्या का धातु का अर्ध गोलाकार कण होता है। कितने मीटर त्रिज्या का, 1 मीटर त्रिज्या का गोलाकार कण होता है। ये हमारा 1 मीटर त्रिज्या का क्या है, एक गोलाकार कण है।
अर्धगोलाकार कर्ण है जिसे चित्रानुसार व्यवस्थित कर, जिसे चित्रानुसार हम लोग क्या करते हैं व्यवस्थित कर पुल्ली, ये वाला पुल्ली हुआ P1 और P2, ये हमारा P1 पुल्ली हुआ और ये हमारा P2 पुल्ली हुआ, एवं ब्रश B1 और B2 को व्यवस्थित कर धातु के एक बड़े चैम्बर, ये हमारा क्या हुआ हो गया, ये हमारा धातु का एक बहुत बड़ा चैम्बर हो गया जिसमें रखा जाता है, जिसका एक भाग हमारा क्या है नुकीला है, इस भाग को आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये भाग हमारा नुकीला है। तो आप लोग इसको समझ रहे हैं भांडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, भांडी ग्राफ जनरेटर में हमारा एक मीटर त्रिज्या का क्या होता है एक धातु का अर्धगोलाकार कण होता है जिसको आप लोग चित्रानुसार जिस चित्र में दिया गया उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद उसके पिल्ली एवं पुली पी वन एवं पी टू, ये हमारा पुली हुआ पी वन एवं पी टू को एक ब्रश बी वन एवं बी टू को व्यवस्थित कर धातु के एक बड़े चैम्बर में रखा जाता है जिसका एक भाग क्या होता है नुकीला होता है। तो ये हमारा भांडी ग्राफ जनरेटर का बनावट हो गया। अब हम लोग क्रिया विधि को समझेंगे कि भांडी ग्राफ जनरेटर आखिर काम कैसे करता है। पहले कौन इसका सिद्धांत दिया था, तो इसका सिद्धांत प्रोफेसर भांडी ग्राफ ने दिया था, और इस जनरेटर का लगभग कितना तो बनावट में आप लोग इसको लिख दीजिएगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्रिया विधि को समझेंगे। और ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट, तो क्लास 12th के स्टूडेंट को 5 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर आप लोग शॉर्टकट मारिएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज में आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर को ले जाइएगा, लिखिएगा, तो ही आपको उसका पूरा का पूरा नंबर आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बनावट। अब हम इसके क्रिया विधि की तरफ समझते हैं, इसलिए ये हमारा 3 पेज में लिया है। तो क्रिया विधि, तो पुल्ली को क्या करते हैं हम लोग मोटर से घुमाने पर नुकीले भाप के समय क्या होता है चार्ज वोल्ट के संपर्क में आता है तथा ब्रश के कारण कम के ऊपर जमा हो जाता है, फलतः बहुत अधिक पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है क्रिया विधि में, तो क्रिया विधि में हमारा ये होता है कि पुल्ली को जैसे ही हम लोग मोटर से घुमाते हैं तो उसके नुकीले भाप के समय क्या होता है चार्ज वोल्ट संपर्क में आता है, और ब्रश के कारण जो है कण ऊपर जमा हो जाता है, ब्रश के कारण क्या होता है कण ऊपर जमा हो जाता है जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इससे क्या होता है बहुत अधिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभांतर उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिए, तो यहाँ आप देखिए हमारा प्लस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हमारा विभांतर धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है और इस नुकीले भाग को बहुत ज्यादा विभांतर आ रहा है। तो ये वह हमारा विभांतर का एक फिगर। अब आते हैं इसके उपयोग की, विभांतर का हमारा क्या उपयोग है। तो उपयोग में आप लोग पहला लिखिएगा कि कई लाख वोल्ट मतलब 11 लाख तक का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिक से जो डिस्चार्ज ट्यूब हो जाते हैं उसमें हाई पोटेंशियल विभांतर उत्पन्न करने के लिए, चार्ज बॉडी को हाई वेलोसिटी एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जो भी बॉडी चार्ज है मतलब जो बॉडी तैयार है उसको हाई वेलोसिटी वेग प्रदान करने के लिए हम एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। और नाभिकीय प्रतिक्रिया के लिए, किस लिए नाभिकीय प्रतिक्रिया के लिए हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि भांडी ग्राफ जनरेटर के उपयोग को लिखे, तो यहाँ हम लोग उपयोग यहाँ आपसे क्या सब पूछ दिया, यहाँ आपसे पूछ दिया भांडी ग्राफ जनरेटर के बनावट क्रिया विधि और उपयोग को लिखे। तो आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भांडी ग्राफ जनरेटर के उपयोग को लिखे, तो अगर आपसे 2 नंबर में ये पूछा भांडी ग्राफ जनरेटर के उपयोग को लिखे, तो आप लोग ये चारों उपयोग को उसमें लिख दीजिएगा। कई लाख तक के वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए, चार्ज बॉडी को हाई वेलोसिटी प्रदान करने के लिए, नाभिकीय प्रतिक्रिया के लिए हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसलिए आपको बताने में टाइम भी ज्यादा लग रहा है और आपको एग्जाम में लिखने में भी इतना ही टाइम लगेगा, 10 मिनट एक क्वेश्चन को। तो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं और इसके महत्तम मान के लिए महत्तम तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें तथा इनके भी संबंध स्थापित करें तथा वर्ग मान मूल का व्यंजक भी प्रदान करें। तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा उसका महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। 3 टॉपिक है जिसको हम परिभाषित करना है, किसको किसको, प्रत्यावर्ती धारा, महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान, तीनों को परिभाषित करना है तथा इनके भी संबंध भी स्थापित करें तथा वर्ग माध्य मूल का
व्यंजक भी प्राप्त करें। इन तीनों के बीच क्या करना है, आपका संबंध भी स्थापित करना है और इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है 2-3 साल में और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग चलिए इसको बढ़ते हैं। पहले जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसा करंट जिसका, ऐसा सर्किट जिसका परिमाण एवं दिशा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है, उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो अंग्रेजी होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट। तो ऐसा सर्किट जिसका परिमाण एवं दिशा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। महत्तम मान पर्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के महत्तम मान कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम धारा। यहाँ आप लोग महत्तम मान लिख लीजिए, महत्तम धारा या शिखर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर धारा कहते हैं। और महत्तम मान को हम लोग आई नोट द्वारा सूचित करते हैं। महत्तम मान को किसके द्वारा सूचित करते हैं, महत्तम मान को हम लोग आई नोट के द्वारा सूचित करते हैं। अब आते हैं वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम लोग RMS करंट भी बोलते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ डबल लिखा गया है। आप लोग लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, इस लाइन को आप लोग काट दीजिए, ये हमारा रिपीट हो चुका है। वर्ग माध्य मूल मान को वर्ग माध्य मूल धारा RMS करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RMS करंट। तो ये हो गया परिभाषा हमारा प्रत्यावर्ती धारा का। परिभाषा क्या, ऐसा सर्किट जिसका परिमाण एवं दिशा क्या होता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है, उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। महत्तम मान प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को महत्तम मान या शिखर धारा कहते हैं, जिसको आई नोट के द्वारा सूचित किया जाता है। अब थर्ड टॉपिक हमारा वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को वर्ग माध्य मूल धारा RMS करंट कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा, महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान। अब इसके बीच हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, जो बहुत ही लॉन्ग जाने वाला है आप लोगों को, और आप लोगों को एक एक लाइन अच्छे से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, और बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन महंगा क्वेश्चन है, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड RMS करंट। तो हमको पीक करंट शिखर धारा और RMS करंट, जिसको आप लोग वर्ग माध्यम मूल धारा के बीच हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम लोग AC का एक समीकरण लेते हैं। AC का समीकरण हमारा क्या होता है, तो माना AC का समीकरण हमारा होता है, आप पढ़े होंगे, I = I0 sin ωt तथा आवर्त काल में t हो तो I = I0 sin ωt। अतः I² हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो I² = I0 sin ωt। तो यह हमारा AC का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो हमारा करंट का सूत्र होता है, जो AC का मतलब हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का हमारा समीकरण होता है I = I0 sin ωt, और आवर्त काल में अगर समय हमारा t हो तो I = I0 और t हम लोग मान लिया है, आवर्त काल में समय t है, तो I = क्या हो गया, I0 sin ωt। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर किए, I² = I0 square sin ωt। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग दोनों को इसको भी 2 से डिवाइड किए और इसको भी 2 से डिवाइड किए, मतलब यहाँ हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस 2 को और इस 2 को काट देंगे, तो हमारा सेम समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा, I0² sin ωt। तो I² = क्या हो गया, I0² (t)(2 sin ωt। तो I² क्या हो गया, ये 2 sin² ωt। अगर आप लोग क्लास 12 में अभी त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें आपका फॉर्मूला होता है sin ओमेगा टी का, तो 2 sin² ωt का 1 cos 2 ωt। तो ये 2 sin² ωt किस चेंज हो गया, तो 1 cos 2 ωt। तो I² AV = I0 से t, हमारा हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पूरा को हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 से t, यहाँ क्योंकि समय हमारा t है, तो 0 से हम लोग t की I² (dt), इसको हम लोग dt मान लिए हैं, और 0 से t हमारा dt है, तो I² सॉरी दोस्तों t नहीं माने हम लोग, I² AV का
हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो फॉर्मूला होता है तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का जितना जगह जितना हम लोग यहाँ रख देंगे और डी टी हमारा नीचे में हो जाएगा। तो आप लोग फिर से यहाँ पर समझ ले, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ हमारा एसी का समीकरण नहीं है। जो एसी का समीकरण होता है हमारा आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और समय हमारा टी है तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई स्क्वायर को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, फिर हम लोग इसका इसको दो से डिवाइड किए, तो फिर हम लोग इसको कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी हो गया। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेशन किए हैं तो हम लोग इसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। ये रिलेशन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम समझ लीजिएगा अपने से। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका आई स्क्वायर ए भी। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आई स्क्वायर ए भी इक्वल टू जीरो से टी, तो ठीक है यहाँ तक हम लोग क्या किए, आई स्क्वायर ए भी इक्वल टू क्या हो गया जीरो से टी, आई स्क्वायर वन माइनस कॉस टू, आई का जो वैल्यू था हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं। तो नीचे में डी टी हमारा क्या हो गया डी टी, तो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट हमारा इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट हमारा इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ इंटीग्रेशन में ये बाहर निकल गया है। अब हम लोग यहाँ जीरो से टी और इसको हम लोग डी टी किए माइनस जीरो से टी कॉस, तो ये हमारा कॉस टू ओमेगा टी हो गया। मतलब इस दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग सीखेंगे, ये हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। अब हमारा इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी है, तो इंटीग्रेशन हमारा अलग अलग होता है, मैथ में इंटीग्रेशन किस में होता है। तो हम लोग इसको डी टी किए, वन को डी टी, इससे डी टी से इसको ना कहते हमारा वन डी टी हो गया और ये हमारा कॉस टू इंटू डी टी हो गया। अब हम लोग इस दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन किए, तो आई जीरो स्क्वायर आई स्क्वायर डी टी और डी टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी हो जाएगा और टी माइनस टी जीरो, तो बचेगा क्या हमारे पास टी बचा, तो यहाँ हमारा टी हो गया माइनस कॉस टू ओमेगा टी होता है हमारा इंटीग्रेशन करके, तो कॉस का इंटीग्रेशन हमारा साइन होता है, तो यहाँ हमारा साइन ओमेगा टी और ये हमारा टू डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट नीचे आ गया, मतलब किसका इंटीग्रेशन अलग से होगा। तो कोई कॉन्स्टेंट का अलग हमारा पहले हम लोग कॉस का करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका करेंगे, तो कॉस का किए तो साइन ओमेगा टी हो गया, उसके बाद टू ओमेगा टी का किए तो टू ओमेगा हुआ, और फिर हमारा एक टी जीरो से, तो हम लोग यहाँ टी जीरो से टी जीरो कर दिए हैं। अब आई स्क्वायर ए भी, तो टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर बाहर आ गया, तो टी हमारा बाहर आ गया, तो एक बार इससे भी गुना होगा, ये इसका गुना एक बार इससे भी होगा, तो एक बार हम लोग इससे गुना कर दिए हैं, और फिर इसका गुना एक बार हमारा इससे होगा, तो हम लोग फिर यहाँ पर इससे भी गुना कर दिए हैं, तो आई स्क्वायर टू टी और ये टू ओमेगा हमारा बाहर निकल गया, तो साइन टू इंटू टू, इसको जो ओमेगा को चेंज किया तो साइन टू इंटू टू ओमेगा बटे टी इंटू टी हो गया। तो आई स्क्वायर ए भी आई स्क्वायर टी माइनस आई स्क्वायर टू, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें दो दूनी चार फोर ओमेगा टी, तो साइन टू इंटू टू पाई बटे टी, ये ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो हमारा टू पाई बटे टू पाई हुआ, तो टू पाई बटे टी इंटू टी, तो साइन पाई टू पाई, टू पाई क्या हो गया हमारा फोर पाई बटे टी, और ये हमारा इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या, और ये जो टी जो मान है तो फोर बाय टी गुना टी माइनस साइन फोर पाई बाय टी इंटू जीरो। स्लाइड का आप लोग स्क्रीन शॉट ले, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन किए, फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन किए, फिर हम लोग इंडिविजुअल इसका इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, और फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर आपको इसका समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में भी हमारा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग वहाँ टी जो नेक्स्ट पेज में किए हुआ वही हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, तो आई स्क्वायर आई जीरो बटे टू माइनस आई जीरो फोर टू ओमेगा टू, ये टी हमारा ये टी कैंसिल हो गया, तो साइन फोर पाई बचा और साइन फोर पाई माइनस जीरो जीरो हो गया, और टी और जीरो का मान हम लोग यहाँ पुट कर चुके हैं, ये टी हम लोग यहाँ और ये जीरो हम लोग यहाँ, तो हमारा साइन फोर पाई माइनस साइन जीरो बचा, तो आई स्क्वायर ए भी आई स्क्वायर माइनस टू आई स्क्वायर फोर टी ओमेगा टू और साइन फोर पाई, मतलब साइन गुना तीन साइन गुना फोर पाई, तो साइन गुना फोर गुना वन हंड्रेड 80, तो साइन 4 पाई का मान हमारा जीरो होता है और साइन 0 डिग्री का मान भी जीरो होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो दोनों मिलकर हमारा जीरो हो गया, तो हमारा ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हमारा शून्य हो गया, मतलब ये पार्ट हमारा क्या हो गया जीरो हो गया, तो जीरो से जीरो कट गया जीरो और सबको मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हो गया जीरो। तो आई स्क्वायर क्या हो गया हमारा आई जीरो नोट बटे टू, तो आई यहाँ क्या हो गया आई जीरो इक्वल टू टू हो गया है, तो यहाँ हमारा आई स्क्वायर ए भी क्या हो गया आई जीरो बटे टू। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, यदि हमारा वर्गमान मूलधारा आई आर एम एस हो तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर ए भी, दोनों को हम लोग रूट के अंदर करते हैं और आई स्क्वायर बटे आई नोट बटे
2 और यही हमारा वर्गमाद मूलधारा का व्यंजक। तो अगर आपसे कोई पूछा तो वर्गमाद मूलधारा का क्या व्यंजक होता है, तो आई नोट बटे 2 और यही हमारा वर्गमाद मूलधारा का व्यंजक है। तो आई नोट क्या हो गया, आई नोट हम लोग किसको शिखर धारा कहते हैं, क्या कहते हैं आई नोट हम लोग शिखर धारा, जिसको महत्तम मान कहते हैं। तो रूट 2 गुना आई आर एम एस यही संबंध है उस दोनों के बीच में, आई नोट इक्वल टू रूट 2 गुना 1 आर एम एस और यही हमारा वर्गमाद मूलधारा का जो संबंध है वो हमारा ये है। तो ये जो पॉइंट जो निकला है ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि महत्तम मान इक्वल टू क्या होता है, तो महत्तम वर्ग मान इक्वल टू होता है रूट 2 गुना वर्ग माध्य मूल धारा आई आर एम एस। ऑब्जेक्टिव पूछता है डैश डैश करके, आई नोट भी दे देगा या दे देगा आपको शिखर धारा इक्वल टू रूट 2 गुना डैश 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 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग उसमें टिकट कीजिएगा वर्ग माध्य मूल धारा या आई आर एम एस, तो उसका शॉर्टकट फॉर्म होता है हमारा आई आर एम एस, तो उसको भी आप लोग टिकअप कर सकते हैं। अब अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है हाइंकेस का तरंग सिद्धांत को समझाएं और इसके आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन कोण के नियम को स्थापित करें। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइंकेस के तरंग सिद्धांत को, हाइंकेस जो तरंग सिद्धांत दिए थे इसको समझाएं और इसके आधार पर अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण के नियम को स्थापित करें और करके दिखाएं। तो हाइंकेस का तरंग सिद्धांत, तो हाइकेंस का तो तरंग सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह 1678 ईस्वी में हाइकेंस ने किया था। हाइकेंस का जो तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1678 ईस्वी में हाइंगेस ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ध्वनि के समान अनुध्वेष तरंग है जो माध्यम के कणों के तरंग गति की दिशा में कंपन द्वारा ट्रांसफर होता है। यह हाइंगेस का जो तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन उन्होंने 1678 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश ध्वनि के समान अनुध्वेष तरंग है जो माध्यम के कणों का तरंग गति की दिशा में कंपन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, निर्वात है। तो फलतः इस सिद्धांत के अनुरूप हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना चाहिए। और हाइंकेस ने निर्वात में एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की, जिसने बताया कि निर्वात में प्रकाश ईथर के कणों द्वारा कंपन द्वारा ट्रांसफर होता है। कोई भी नहीं समझे फिर से समझा देता हूं। ये जो हाइंगेस का जो तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1678 ईस्वी में हाइंगेस ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश जो होता है ये धनु ध्वनि आवाज के समान अनुदेश तरंग है जो माध्यम के कणों का तरंग गति के दिशा में कंपन द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और हम लोग जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, निर्वात है। फलतः इस सिद्धांत के अनुसार जो ये हाइंकेस का जो तरंग सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अनुरूप हमें सूर्य का प्रकाश क्या होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, तरंग गति की दिशा में ट्रांसफर द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाइंकेस ने क्या किया, निर्वात में काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना किया और बताया कि निर्वात में प्रकाश ईथर के कणों द्वारा कंपन द्वारा ट्रांसफर होती है। तो ये हमारा हुआ हाइंकेस का तरंग सिद्धांत। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग इसको साबित करते हैं। तो प्रकाश के अनुदेश तरंग मानने पर व्यतिकरण की व्याख्या हो जाता है। तो प्रकाश के अनुदेश तरंग को क्या होता है, तो इससे व्यतिकरण की जो आपको होती है ये व्याख्या हो जाता है, परंतु ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाते, मतलब ध्रुवन कोण की व्याख्या क्या होता है, नहीं हो पाता है। और साथ में ही परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक मानना पड़ता है, जो गलत है। और बाद में थॉमस थंग और फेनल ने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मानकर ध्रुवन की व्याख्या की थी। यह हाइंकेस के संशोधन में कुछ त्रुटि थी, जो त्रुटि थी कि इसके अनुदेश तरंग मानने से व्यतिकरण की क्या होती है, व्याख्या हो जाता है, लेकिन ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाता है। यह हाइंकेस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अनुदेश तरंग मानने के बाद व्यतिकरण की जो व्याख्या है ये हो पाता है, लेकिन ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाता है। साथ में परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक मानना पड़ता, जो गलत है। और बाद में थॉमस थंग एवं फेनल ने फेनल के प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मानकर ध्रुवन की क्या किया, व्याख्या किया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। आप लोग थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाए तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है और आइंस्टीन द्वारा की गई व्याख्या को बताए। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है और आइंस्टीन द्वारा इसकी क्या व्याख्या की गई थी। इसके सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को हम लोग समझते हैं पहले।
तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की घटना का गणितीय रूप से संतोषपूर्वक व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में प्राइस से सम्मानित किया गया था। तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के साथ क्या मिलकर क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, जिसको आप लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है, की घटना का गणितीय रूप से क्या किया, संतोषपूर्वक व्याख्या किया, जिसके लिए क्या किया, 1981 ईस्वी में आइंस्टीन ने आइंस्टीन को इसके प्राइज के लिए सम्मानित किया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट को की जो सिद्धांत था 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के साथ मिलकर दिया था। आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, मेटल सरफेस पर आपतित होने पर फोटोन आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार मेटल सरफेस पर आपतित होने वाले फोटोन के ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है, वर्क फंक्शन में खर्च होता है और बचे हुए ऊर्जा क्या होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार जो हमारा मेटल सरफेस पर आपतित होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा होते हैं, इसका जो कुछ भाग है वर्क फंक्शन में खर्च हो जाता है और बचे हुए जो ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यदि फोटो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति एच वी से नोट के इंटू ए, जिसको आप लोग काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, होता है, यदि फोटो की आवृत्ति क्या होती है, एच वी से नोट के इंटू ई होती है, तो के इंटू एच वी माइनस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटू एच वी माइनस, ये हमारा इस साइड आ गया है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो के ई मीटर एच वी, और इसका मान क्या हो गया, एच वी नोट, इसके बाद के इंटू एस सी बट्टे लेमडा, एस सी माइनस लेमडा जीरो। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट यही हमारा है, आपको गणितीय रूप इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस सी लेमडा, एस सी माइनस लेमडा जीरो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक नियम। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, ये इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या सब नियम है और से क्या नियम आइंस्टीन ने दिए थे, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होता है ये प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रकाश से स्वतंत्र होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है, ये आपसे दो नंबर में भी पूछ सकता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसका दोनों तरह से याद करेंगे। पांच नंबर में आपके दो नंबर के भी क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ रहता है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम ना हो, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को भी लिखे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा प्रकाश से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन का दर होता है वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले का आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा प्ले बैक कीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं इसी में उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की जो दर होती है वह प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जन की दर होती है वो प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। आवृत्ति का जो मान होता है वह देहली आवृत्ति से कम होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। आवृत्ति का जो मान है देहली आवृत्ति से कम होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का मान नहीं होता है। धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन को आपतित होने एवं इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के बीच का जो समय होता है वो आपको 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड नगण्य होता है। तो धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन को आपतित होने एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने का जो बीच का समय है वो 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड नगण्य होता है। तो नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास को हम लोग यही रखते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, तो आप सभी इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग अपने नेक्स्ट आते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारा संडे है, तो कल हम लोग कोई भी क्लास को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, जिसमें 2012 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सॉरी पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ हमारा लॉन्ग टाइप लिखा गया है, तो हम लोग मंडे को देखेंगे लॉन्ग टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या देखेंगे, सॉरी दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मंडे को हम लोग सबसे पहले 2012 में पूछे गए
फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक में 2011 के जो हम लोग पढ़े, 2011 के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 2011 के आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे के क्वेश्चन का आंसर सहित आपको पीडीएफ चाहिए, तो फिर आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको 20 रुपीज पे करने होंगे। कितने रुपीज? तो 20 रुपीज पे करने होंगे ताकि मैं इसको पीडीएफ भेज दूं, नहीं तो आप अपने स्क्रीनशॉट लेके सिपाही कर सकते हैं। अगर आपको इसका 2011 का, हम लोग आज सिलेबस खत्म किए हैं, और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको 20 रुपीज पे करने होंगे, जो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर हमारा गूगल पे नंबर है, वही पेटीएम नंबर है, वही हमारा फोन पे नंबर है, आप जिससे भी पे करना चाहते हैं 20 रुपीज पे करके आप लोग इसका एक पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप भेजने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज सकूं। तो जिस जिस स्टूडेंट को चाहिए तो वो इतना पे करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं 2012 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अन्यथा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में इसका आंसर तैयार कर सकते हैं, वो बिल्कुल मुफ्त है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ही सलाह देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों के लिए और बेहतरीन हो। तो क्योंकि पीडीएफ से अच्छा है कि आप लोग कॉपी में नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो आप लोग जिस तरह से आपको सुविधा आए आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। और मंडे को हम लोग 2012 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय।